आज की इस वीडियो में हम तिरंगे के लिए अशोक चक्र बनाना सीखेंगे कोरल ड्रा के अंदर। आपके पास चाहे कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन हो, आप उसमें इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आइए उसके लिए हम एक न्यू पेज लेते हैं। हम जो न्यू पेज लेंगे ये हमारा A4 साइज का है, तो इसको हम साइज चेंज करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यूनिट में जो मिलीमीटर लिखा है इसको हम इंचेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम 2x2 का पेज ले लेते हैं। अब ये जो हमारा पेज साइज है ये 2x2 इंच का है। यहाँ पे आएंगे और देखेंगे रेक्टेंगल टूल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे पूरे पेज पे ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। आप अपने कीबोर्ड से हम F4 दबाएंगे तो ये बिल्कुल हमारे पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि शेप टूल पर आना है और इसको पकड़ के नीचे खींच देना है ताकि ये पूरा गोला बन के तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं ये एक गोला बन गया है जो कि फिट 2x2 की साइज का है। इसके बाद इसी पे हम क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल सी के कॉपी करके कंट्रोल भी कर देंगे तब भी ये 2 हो जाएगा। और अगर आपके पास निमोरी कीबोर्ड हो, जो साइड में कीबोर्ड होता है, उसमें प्लस दबाएंगे तो भी ये 2 बन जाएगा। अब ये 2 बन चुका है तो हम क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और अंदर इस तरीके से खींच लाएंगे। इसको और छोटा करेंगे, ये हमारा 2 गोला बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हम इस पे आएंगे रेक्टेंगल टूल पे और यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे बना लेंगे। अब इसको हम बाहर लाते हैं और इस पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे इसको। फिर शेप टूल पे आएंगे और ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक और नोड बन जाएगा। अब इसको पकड़ के ऊपर खींच देंगे इस तरीके से ताकि ये कोना टाइप का दिखने लगे। और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम अपने कीबोर्ड में जो एरो का निशान होता है नीचे की तरफ, उससे इसको यहाँ खींच लाएंगे इस तरीके से। और इतना करने के बाद हम इसका जो कलर है यहाँ से नीला भर देंगे, आउटलाइन इसका हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसको हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद अब हमको इसको चारों तरफ घुमाना है और ये 24 होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Alt और F7 दबाएंगे। जैसे ही हम Alt F7 दबाएंगे तो इधर साइड में ये हिस्सा खुल के आ जाएगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये घुमाने वाला यानी रोटेट का सिंबल नज़र आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक बार और क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बीच में है इसका सेंटर पॉइंट, इसको ला करके इसके सेंटर पॉइंट पे मिला देंगे बीच वाले के। अब यहाँ से हम कॉपीज़ में 23 लिखेंगे क्योंकि 23 हमको और चाहिए, एक तो है 24 पूरा होना चाहिए। और यहाँ पे घुमाने वाला है यहाँ पे हम 15 रहने देंगे। अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि ये पूरे में बराबर घूम के आ चुका है। अब हमको क्या करना है कि इस बाहर वाले को सिलेक्ट करना है और इसके आउटलाइन को और ज़्यादा मोटा करना है। यहाँ से इसके आउटलाइन को हम मोटा कर लेंगे और इसका आउटलाइन भी हम यहाँ से ब्लू यानी कि नीला कर देंगे। अब ये जो बीच में हिस्सा है इसको क्लिक करेंगे और प्लस दबाएंगे निमोरी कीबोर्ड से, ये भी 2 हो जाएगा। और इसको हम बाहर लाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे इतना, और इसमें भी हम ब्लू कलर फिल कर देंगे। आउटलाइन इसका भी हम हटा देंगे इस तरीके से। इस पर भी एक बार और क्लिक करेंगे और इसका जो भी सेंटर पॉइंट है इसको भी लाके हम यहाँ पे मिला देंगे। और इसको भी अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये भी चारों तरफ बनके तैयार हो चुका है। बीच वाले को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और इसका आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने अशोक चक्र को बना लिया। लेकिन ये देखिए पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमको और अंदर करना था, तो उसके लिए चाहें तो हम इसको थोड़ा सा अंदर की जानिब खींच देंगे, ये सही हो जाएगा। इस तरीके से, लेकिन थोड़ा देर और आप रुकिए क्योंकि अगर इसको आप कहीं पर सेट करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट आएगा, तो हो सकता है कि लुक अच्छा ना आए। तो उसके लिए हमको क्या करना है वो भी देख लेते हैं।
कंट्रोल ए से सबको हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया और इसको हम यहाँ से बाहर कर देते हैं। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे आप तिरंगा बनाएंगे उसी के ऊपर ना इसको सेट करेंगे, तो इसको हम अभी रेड कर देते हैं। आप इसको पूरा तिरंगा बना लीजिएगा, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, शिफ्ट पेज अप से ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप देखिए ये ऊपर आ तो गया लेकिन पूरी तरीके से खिल नहीं रहा है, तो इसके लिए हमको इसके जो पीछे का हिस्सा है उसको वाइट करना पड़ेगा। अब उसको हम किस तरीके से करेंगे वो सीख लेते हैं। इसको अभी साइड में करते हैं और फिर इसी बॉक्स पे रेक्टेंगल टूल से डबल क्लिक करते हैं, बॉक्स बन गया। इसको भी गोला कर देते हैं और इसको यहाँ अब हम वाइट कर लेंगे, इसमें वाइट फिल करेंगे, आउटलाइन भी इसका वाइट कर देंगे। इतना हमारा हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से पी दबाएंगे ताकि ये बिल्कुल पेज के बीच में आ जाए और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी आपको पीछे वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे ऐसे बाहर से, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और अब इसको उठा के ला के हम इस पर रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अब हमारा बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोरल ड्रा के अंदर अशोक चक्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।